गलत फहमियाँ दूर न की जाएं तो वो नफ़रतों में तब्दील हो जाती हैं। दुनिया वाले चेहरे और माल को देखते हैं, अर्श वाला दिल और आमाल को देखता है। जितना सुकून अल्लाह पाक की मोहब्बत में है, इतना कायनात की किसी मोहब्बत में नहीं। नमाज को मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो मेरा रब अगली नमाज के लिए खुद बुला लेगा। जब मुल्क की लिखी हुई तकदीर गालिब आती है तो सब मंसूबे और प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। कांच पे पारा चढ़ाया दें तो आईना बन जाता है, किसी को आईना दिखा दें तो पारा चढ़ जाता है। झुक जाना ही मोहब्बत है, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत सजदा है। ऐसे लोगों को अपनी तरजीहात में कभी शामिल न करें जो आपको तब मुयस्सर हों जब इन्हें कोई और मुयस्सर न हो। एक गलत पासवर्ड से मामूली मोबाइल नहीं खुलता, तो तराज़ ज़िंदगी गुजारने से जन्नत के दरवाज़े कैसे खुलेंगे। दिल फकीरी पे उतर आए तो उलझ पड़ता है बादशाहों से। उन्वान ज़िंदगी पर बस इतना ही लिख पाया मैं हूँ। बहुत कमज़ोर रिश्ते थे बहुत मजबूत लोगों से। ज़िंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो दो लाइनें याद रखना। जो खोया है इसका गम नहीं, लेकिन जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। मोहब्बत वफादारी की दास्तान होती है, और बेवफाओं की ज़िंदगी का एक मामूली वाकया। लफ्ज़ इंसान के ग़ुलाम होते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले तक, बोलने के बाद इंसान अपने लफ्ज़ों का ग़ुलाम बन जाता है। ज़मीन के ऊपर आजजी के साथ रहना सीख लो, ज़मीन के नीचे सुकून से रह पाओगे। इंसान की पहचान इल्म से नहीं अदब से होती है, इसीलिए कि इल्म इबलीस के पास बहुत था मगर अदब से महरूम था।